शैलेंद्र उपाध्याय जी ने हमारे प्रवचन पर ही प्रश्न किया है। श्रीमद् भगवद गीता में हमने बताया था कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रण रखता है सामाजिक भय के कारण, मन से काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि की अतिशय प्रवृत्ति होती है, तो उसको मिथ्याचार कहते हैं। लेकिन शैलेंद्र जी ने एक बात लिखा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। बड़ी नम्रता के साथ उन्होंने कहा है कि आप इसको निरर्थक और अन्यथा ना लें, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ ताकि मेरे मन में जिज्ञासा है। आप दोनों बातों को थोड़ी समझिएगा। जब वक्ता अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, तो बात अलग होती है। आप जब भी किसी बात विशेष बात पर विचार करें तो ये भी जरूर विचार करिएगा कि ये बात किसने किससे कब क्यों कही। ये है इतने प्रश्न, किसने कब किससे क्यों कही, ये प्रश्न का अर्थ है। ऐसे तो किसी भी सामान्य प्रश्न के आपको विरोधी वाक्य मिल ही जाएंगे। आप कोई भी वाक्य बोल लीजिए, यदि देखेंगे तो उसके अनंत विरोधी वाक्य मिलेंगे। तुलसीदास जी की चौपाई और भगवान के इस मिथ्याचार के वर्णन में बिल्कुल अलग अलग बात है। आपको लग रहा होगा ना एक है, लेकिन वो एक नहीं है। सुनिए अब फिर से, भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान की में स्थित करने के लिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए ये बात कह रहे हैं। ये इंद्रिय नियंत्रण की बात है। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय के सड़सठवें श्लोक में बहुत गजब बात कही, इसको बहुत समझने जैसा है, नहीं तो समझ में आएगा तो नहीं आएगा। फिर दूसरे अध्याय का सड़सठवां श्लोक समझिए। भगवान ने कहा, इंद्रियाणाम ही चरिताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नाव मेवाम भसी। हे अर्जुन, अर्जुन की परिस्थिति क्या है कि जैसे ही वो अपने पिता पिता मह इत्यादि को देखता है, युद्ध में विचलित हो गया है वो, और उसकी विचलिति के कारण इंद्रियां शिथिल हो गई उसकी। वो कहने लगा कि हे माधव, मेरा तो शरीर ही गर्म हो गया है, मेरे से हाथ से गांडीव गिर रहा है। तो वह शिथिल हो गया है, हताश हो गया है, दुखी हो गया है। ये दुखी व्यक्ति के लिए है ये, इसलिए ये मनोवैज्ञानिकता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यदि तुम अंदर से धर्मात्मा नहीं हो, तुम बाहर से ही धर्मात्मा दिख रहे हो, तो तुम मिथ्याचार है नहीं है। यदि तुम्हें धर्म का ही तुमने पक्ष लिया होता तो पिता हो चाहे माता हो चाहे भाई हो, कोई भी हो जो अधर्म है, अधार्मिक है, वह अधर्म के कारण उसका आप त्याग करेंगे ना। यदि आप धर्म पक्षीय व्यक्ति हैं तो अधर्म अधार्मिक व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, पत्नी हो, पित्र हो, पुत्र हो, मित्र हो, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही जागे प्रिय न राम बैदेही। जिसको भगवान राम प्रिय नहीं है, उस आदमी को करोड़ों शत्रुओं के समान मान के त्याग देना चाहिए। आपके परिवार में जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो भगवान राम को नहीं मानते। हमारे देश में कई लोग हैं जो राम जी को नहीं मानते, तो आप क्या छोड़ देते हैं। ये त्याग प्रधान बात है। तो भक्ति की निष्ठा में जो कही गई बात, वो भक्ति के ही लिए है। जब पाप पुण्य के लिए विशेष बात कही जाएगी तो पाप पुण्य के ही प्रसंग की बात होगी। अब तुलसीदास जी की बात आई, कलयुग का एक प्रभाव बताने के लिए आपको इतनी बात कही है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा व्यक्ति का मन ही दूषित होता है।
इसलिए उन्होंने कलयुग का गुण बताने के लिए बात कही है, और कलयुग का दुर्गुण भी इसी चौपाई में है कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, प्रताप शब्द लिखा है, ये कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप है, अर्थात प्रभाव है, क्या कि मन सबके गंदे हो जाएंगे। लेकिन प्रभाव का प्रताप क्या है, तेजस्वी पना क्या है उसका, बोले उसका ये है कि मानस पुण्य हो नहीं पापा, अगर मन में आप पुण्य सोचेंगे तो हो जाएगा और पाप सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मन से आप अगर पुण्य कर दें, अर्थात मानसी पूजा कर रहे हैं और भगवान को आपने अच्छे से अच्छे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य पकवान, भोजन आदि करा रहे हैं, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। ये कलयुग का प्रताप है, लेकिन ऐसा कर पाएंगे तब ना। आपको ये इतनी सुविधा देवी दी गई है, ये सुविधा बता रहे हैं, प्रताप बता रहे हैं। कलयुग में सब दोष ही दोष नहीं है, कलयुग में एक विशेष गुण ये है कि मन से यदि आप पुण्य करेंगे तो पुण्य लगेगा और पाप करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तो ये तो आपको सुविधा बताई गई ना कलयुग की, तो कलयुग की विशेषता बताई गई, अर्थात अगर कलयुग का प्राणी चाहे तो मन से पुण्य भी सोच करके पुण्य कर सकता है। लेकिन एक बात बताएं, कलयुग का एक दूसरा ये भी प्रभाव है कि मन से भी वो पुण्य नहीं सोच सकता है। इतनी सुविधा प्राप्त होने के बाद भी मन से भी वो पुण्य नहीं सोच सकता है, करने की तो बात ही छोड़ो। तो पाप तो वो कर ही सकता है, जैसा मन में सोचेगा वो पाप कर भी सकता है। तुलसीदास जी कह रहे कलयुग का प्रभाव ये है कि मन से पुण्य भी सोचे और शरीर से करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, और मन से पाप सोचे तो कर भी सकता है। ये है कलयुग का प्रताप। एक पक्षी ये क्यों सोच रहे हैं, तो मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, अथवा ऐसा कह लीजिए इसको देहली दीप कन्या कहते हैं, पहले समझिए। जैसे देहली में कोई दीपक रख दीजिए तो दोनों तरफ, ऐसी कई चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है, तो दोनों तरफ प्रकाश हो, नहीं को दोनों तरफ जोड़िए, मानस पुण्य होए नहीं और पापा, अर्थात मन से अगर पुण्य सोचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन पाप सोचेंगे तो पाप लगेगा। तो इसीलिए कहा कि ये नहीं नहीं ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे पाप तो दिन भर सोचता है आदमी, देखता है तो सोचता है, सोचता है सुनता है तो सोचता है, इसलिए ऐसा अर्थ ना करो। तो कैसा अर्थ करना चाहिए, बोले मानस पुण्य हो ही ऐसा अर्थ करिए। कलयुग का ये प्रताप है कि मन से विचार करेंगे तो पुण्य होंगे, पुण्य सोचेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया दान करना है तो पुण्य लग जाएगा, लेकिन नहीं पापा, पाप सोचेंगे तो नहीं लगेगा। ये तो आपके लिए कंसेशन है, छूट दी गई कलयुग में, ये उसका प्रभाव है, उसका संबंध इससे नहीं है। गीता आपको कलयुग के लिए नहीं है, वो तो सतयुग त्रेता द्वापर से लेकर के कलयुग तक और इसके प्रलय के बाद पुनः वही ज्ञान है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 67वें श्लोक में कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम, मन इंद्रिय है ना, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते, जो व्यक्ति अपने मन को आंख कान नाग जीभ के अनुसार चला देता है, तदस भारति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहा हरति प्रज्ञाम, बोले मन हरति प्रज्ञाम, बुद्धि को कौन हरण करता है, बोले मन हरण करता है। तदस हरति प्रज्ञाम कैसे, बोले वायुर नाव मिवाम भसी, जैसे जल में पड़ी हुई नौका हो और उसका कोई बंधन ना हो, कोई केवट ना हो, तो उसकी नाव का चाहे जहाँ जाकर के डूब जाती है, जहाँ को हवा चलती है वहीं बह जाती है। इसलिए जिसके विवेक नहीं रह जाता है, उस व्यक्ति को कोई भी विचलित कर लेता है, कोई भी अपने विपरीत कर्म धर्म में लगा लेता है, ये सर्वदा बात है, ये एककालिक कलयुग मात्र की बात नहीं है। ये तो जो सतयुग में भी यही था कि इंद्रियों के अनुसार जो चल पड़े उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और स्वयं भ्रष्ट हो गई। त्रेता में भी यही बात थी कि जो लोग इंद्रियों के अनुसार जिनका मन चल पड़ा वो भ्रष्ट हो गए,
और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। यही द्वापर में था कि जो इंद्रियों के अनुसार जिन्होंने दुर्योधन आदि ने अपने मन को चला दिया उनकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई। वही नियम कलयुग में लगेगा। इसलिए भगवान की तो गीता चारों युगों के लिए, उसमें युग शब्द का प्रयोग नहीं है। और इसमें क्या लिखा, कलयुग एक पुनीत प्रदा, कलयुग शब्द लिख दिया ना, इसका मतलब कि तीन युगों के जो चित्त वृत्तियां थी उनमें कोई क्षमा नहीं थी। यदि कोई के मन में पाप आया तो पाप आ गया, जो कर दिया वो कर दिया। इसलिए जब शब्द का उपयोग हो जाए तो ये समझना चाहिए कि यहाँ तक के ही लिए है। और जब भगवान ने युग का तो नहीं कहा ना, उन्होंने युग के लिए तो नहीं कहा कि इस युग में ये मिथ्याचार कहलाएगा, सतयुग में ये मिथ्याचार कहलाएगा, नहीं। इसलिए भगवान सदा देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, इन पांच तत्वों और प्रकृति का ही वर्णन करते हैं। और वह सर्वदा सृष्टि के प्रारंभ में था, सृष्टि के मध्य में था और आज भी वही है। इसलिए भगवान की कही हुई बात ये युग के अनुसार नहीं है। सभी युगों में देह थे, सभी युगों में इंद्रियां थी, सभी युगों में मन थे, और सभी युगों में जिन लोगों की इंद्रियां मन इंद्रियों के अनुसार मन चला गया उन अंत में उनके दुर्दशा हुई, च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए, सामाजिक पतन हो गया, तो वो तो सार्वकालिक बात हो गई। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है तो ये तो बताया कि कलयुग एक पुनीत प्रतापक कलयुग कहे, तो कलयुग शब्द का तात्पर्य मात्र कलयुग की बात है कि, लेकिन वो तो है ये निश्चित समझिए कि जो भगवान कह रहे हैं वो आज भी है कि जिनकी भी इंद्रियों के अनुसार मन चला जाता है वो निश्चित ही उनकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। और वह आज आप देख तो रहे हो इतनी बुद्धि खराब क्यों है, सब एक जैसे दुष्ट क्यों, एक जैसे बेईमान क्यों, एक जैसे घूसखोर क्यों, एक जैसे मन के कामी क्यों, एक जैसे लोभी क्यों, एक जैसे क्रोधी क्यों, एक जैसे व्यापारी क्यों, एक जैसे सब लोग क्यों मिल रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मिथ्याचार तो चारों युगों के लिए है ना, इसलिए अपने कर्मेंद्रियों के सहित मन को नियंत्रण करना चाहिए, ये बात भगवान कह रहे हैं। और तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो तो कलयुग मात्र का प्रभाव बता रहे हैं, उनका प्रताप बता रहे हैं, तो सही बात है। आप कलयुग में आप मन से पुण्य करेंगे तो लगेगा, तो कौन कर रहा है, मन से भी पुण्य नहीं कर रहे, इतना मतलब इतनी छूट मिलने के बाद भी कि आप मत दीजिए 1 करोड़, कम से कम मन से ही सोच लीजिए कि 1 करोड़ देंगे, मन से भी झूठा करोड़ नहीं रुपया दे रहा है तो वैसा कौन देगा। इसलिए किसी भी वाक्य को कब कहाँ किसने कैसा कहा ये पढ़ करके वही वाक्य वही के लिए सार्थक है। कुछ वाक्य ऐसे हैं जैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा, इसलिए हनुमान जी की बात चारों युगों में ही प्रभावशाली थी, इसका मतलब तात्पर्य ये है कि कुछ बातें हैं जो सभी युगों के लिए है, जो एक ही युग के लिए है वो मात्र उसी युग के लिए है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।